नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। यूपी में आज से 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हो रहा है और यूपी में आज से प्रारंभ हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और इस मौके पर उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। समिट में करीब 25 लाख करोड़ रुपए के निवेश के ही करार होने की उम्मीद है और इससे 2 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्वेस्टर्स समिट के शुभारंभ के अवसर पर ट्वीट कर कहा है कि नए भारत और नए उत्तर प्रदेश में आज से प्रारंभ हो रहे 3 दिवसीय यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ही निवेशकों, नीति निर्धारकों और कॉरपोरेट जगत के ही प्रतिनिधि मंडलों और इसके साथ ही शिक्षाविदों और सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान गबन के एक मामले में बतौर गवाह आज गुरुवार को ही सीजेएम कोर्ट में पेश हुए और आजम खान को कई बार कोर्ट से नोटिस भी भेजा था, जिसके बाद भी जब वो अदालत में पेश नहीं हुए तो शाहजहांपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आजम खान को गैर जमानती वारंट जारी किया था और जिस पर बतौर साक्षी अपनी गवाही पेश करने के लिए आजम खान मुख्य न्यायिक स्ट्रेट शाहजहांपुर की अदालत में हाजिर हुए। पेशी के बाद आजम खान कोर्ट परिसर के ही गेट नंबर 1 से बाहर निकल रहे थे, तभी सुरक्षा कर्मी ने ताला तोड़ दिया और जिसके बाद ही बता दें आपको कि आजम खान और उनके समर्थक लगभग आधे घंटे ताला खुलने के इंतजार में गेट पर खड़े रहे, जिसके बाद सीओ ने गेट खुलवाकर आजम को बाहर निकाला। मामला शाहजहांपुर जिले के ही थाना कटरा इलाके का है। ललितपुर जनपद में आज भू माफिया के खिलाफ जिला प्रशासन ने करोड़ों की संपत्ति कुर्क की है, जिससे भू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। ललितपुर के ही पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश खटीक और उनके दोनों पुत्र राजा कुमार और जितेंद्र खटीक और पुत्र बहू जय श्री खटीक की 61 करोड़ की संपत्ति प्रशासन ने बताया जा रहा है कि 8 टीमें बनाकर ही कार्रवाई की और जिससे जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश खटीक और उनके परिवार की लगभग 45 जगह पर जिला प्रशासन ने 8 टीमें बनाकर एक साथ कार्रवाई की है और इसके साथ ही रमेश खटीक और उनकी पुत्र वधु जय श्री खटीक पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। उनके कई मकानों और भूखंडों और जमीनों जिनका मूल्य करोड़ों में है, संपत्ति कुर्क की कार्रवाई की गई है। भू माफियाओं और गैंगस्टर के तहत जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री जितिन प्रसाद बाराबंकी पहुंचे। प्रदेश सरकार ने उन्हें बाराबंकी जिले का प्रभारी मंत्री बनाया है और जिले के ही प्रभारी मंत्री बनने के बाद जितिन प्रसाद का बाराबंकी में प्रथम आगमन हुआ। मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हर पात्र व्यक्ति को हमारी सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो उन तक पहुंचे और हमारा प्रयास ये रहेगा कि आने वाले समय में बाराबंकी दूसरा नोएडा बने। प्राथमिकता जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये संकल्प है और विचार है, पात्र व्यक्ति तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंचे और जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं उनका अगली बार शासकीय बैठक में सभी पर चर्चा की जाएगी। बाराबंकी जनपद की क्या प्रगति है और प्राथमिकता ये उनके ये लखनऊ के बिल्कुल निकट जुड़ा हुआ जिला है और यहाँ के उद्योग, यहाँ की कनेक्टिविटी, यहाँ पर हाउसिंग, जो ये चीज़ें हैं मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर की, यहाँ बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने संभल में अनोखा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गाय के मूत्र में गंगा मैया बसती हैं तो वहीं गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। प्रभारी मंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस को अंग्रेजी की बी टीम
करार दिया है और गुरुवार को संभल में मौजूद पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पहुंचे और संभल जिले के प्रभारी मंत्री और उत्तर प्रदेश के सरकार में पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने जिला सत्रीय विधायकों के साथ बैठक की और वही प्रेस वार्ता की, जिसमें प्रभारी मंत्री ने वैलेंटाइन डे को काउ हक डे के तौर पर मनाए जाने के सवाल पर अनोखा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गाय के मूत्र में गंगा मैया बसती है, तो वहीं गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, इसलिए वैलेंटाइन डे वाले दिन गाय के गले मिले और गाय को कुछ खिलाएं, गौशाला में पूजन करें और गाय को प्रणाम करें। आवारा गोवंश से किसान परेशान के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की बात बीजेपी सरकार ही करती है। संभल में योगी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वे मुसलमानों को वोट नहीं मानते और राज्य मंत्री ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा कि मुसलमानों को वे वोट नहीं मानते, मुसलमान हमारी व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गरीब हिंदुओं को जो सुविधाएं मिलती हैं वही गरीब मुसलमानों को बगैर भेदभाव मिलती हैं। मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास मात्र नारा नहीं है और पीएम मोदी जो है, बता दें आपको कि इसको लेकर बयान दिया है उन्होंने, पीएम सीएम जाति धर्म मजहब देखकर सुविधाएं नहीं देते हैं और बगैर भेदभाव के ही सभी को सुविधाएं दी जाती है। राज्य मंत्री का बयान सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल भी हो रहा है। जनपद के बाजार शुकुल ब्लॉक परिसर पर किसान यूनियन टिकैत गुट की बैठक आयोजित हुई और बैठक में जिला संरक्षक किसान यूनियन देवी दयाल शर्मा, जिला उपाध्यक्ष शेषनाथ तिवारी, ब्लॉक अध्यक्ष महिला सुशीला और अन्य किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा क्षेत्र में किसानों की हो रही समस्याओं को लेकर चर्चा की गई, जिसके बाद ही खंड विकास अधिकारी अंजलि सरोज को जिलाधिकारी की समस्याओं को लेकर संबोधित ज्ञापन सौंपा गया और जनपद प्रशासन से 7 सूत्री मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की गई है। और जहां किसान यूनियन की प्रमुख मांग इन्होना से शुकुल बाजार होकर रेच घाट तक मार्ग का नवीकरण और इसके साथ ही विकास खंड क्षेत्र में आवारा पशुओं द्वारा फसलों को चौपट किए जाने को लेकर समस्या के निराकरण की मांग और विकास खंड क्षेत्र के ग्राम सभाओं में प्रधानमंत्री आवास में विकास खंड के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा की जा रही अनियमितता की शिकायतों को जल्द दूर करने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रार्थना पत्र सौंपा गया है। आज आप लोगों के द्वारा यहाँ ज्ञापन दिया गया है खंड विकास अधिकारी को, तो क्या मांगे रहे, क्या समस्या रही, किसके लिए यहाँ पर किया गया है, क्या मांगे रहे? हमारे यहाँ इस पंचायत में 7 सूत्रीय ज्ञापन जो है बीडीओ साहब के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है, जिनमें सड़क का मुद्दा था रेजगार से इन्होना वाले का, जो टूटी फूटी पड़ी इसके बनने के लिए, और आवास में जो है पात्र अपात्रों की बात किसानों ने उठाई है वो मुद्दा था, इस प्रकार से नीलगा से निजात के कम के मुद्दे से इस प्रकार से किसानों ने जो अपने आकर पंचायत में वो बताई है समस्या, वो समस्या लिख करके माननीय बीडीओ साहब द्वारा जिलाधिकारी महोदय को दिया गया। क्या लगता है कितनी मांगे आपकी जो है पूरी की जाएंगी, पहले भी मांग की जाती रही, क्या आश्वासन मिला? क्या आश्वासन तो यह है कि कम से कम ज़्यादा ज़्यादा शासन प्रशासन प्रयास करता है कि किसानों के मामले को सॉल्व किया जाए और सॉल्व भी होते हैं, इसलिए किसान संगठन कम से कम ये चाहता है कि हमारी ज़्यादा ज़्यादा मांगों पर ध्यान दिया जाए। गोरखपुर जिले में बीजेपी सहित हिंदूवादी संगठन के राहुल गांधी द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में आज भाजपाइयों ने टाउन हॉल पर मौजूद गांधी प्रतिमा पर हवन कर शुद्ध वृद्धि यज्ञ का आयोजन किया और इस दौरान दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री प्रभात चंद्र कौशिक और सोमनाथ सिंह कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे और इस दौरान प्रभात चंद्र कौशिक ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 5 तारीख को दिल्ली के ही इसको लेकर राहुल गांधी कांग्रेस के ही महासचिव और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और उन्होंने सभी को कुछ दिन पहले भारत जोड़ो यात्रा की और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोरखनाथ मंदिर पर भी टिप्पणी की थी और हम सब गोरखपुर के रहने वाले हैं और नाथ संप्रदाय पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व का आस्था का केंद्र है और हम सब के लिए आस्था का केंद्र तो है और योगी आदित्यनाथ हैं और 5 बार से गोरखपुर लोकसभा के सदस्य भी हैं और वर्तमान में विधानसभा शहर के सदस्य हैं और अभी आप देख रहे हैं कि कल से ही उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहने
जा रही है और 22 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश उत्तर प्रदेश में होगा और कांग्रेस के लोग विकास के विरोधी हैं और उत्तर प्रदेश में योगी का विकास उनको अच्छा नहीं लग रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने मुझे युवा कल्याणकारी का जिम्मेदार दिया। 5 तारीख को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राजीव गांधी और श्री राहुल गांधी ने, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व अध्यक्ष भी हैं, अभी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ और उनका मठ, योगी आदित्यनाथ पर ही नहीं टिप्पणी की, गोरखनाथ मंदिर पर भी टिप्पणी किया, जबकि हम सब गोरखपुर के रहने वाले हैं। गोरखपीठ नाथ पंथ का पूरे भारत में नहीं बल्कि विश्व में आस्था का केंद्र है और हम सब के लिए तो आस्था का केंद्र ही है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि माननीय योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से 5 बार लोकसभा के सदस्य। राहुल गांधी ने परम पूज्य महाराज जी के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की है, उसी के खिलाफ हम लोग उनकी बुद्धि के शुद्धि के लिए यज्ञ किए हैं, क्योंकि कांग्रेस तो आस्तीनों में पल रहे सांपों जैसा है। ये जहर तो उगलेंगे, समय समय पे जहर उगलते रहते हैं। भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि अखंड भारत में ये अच्छी बात कहें, अच्छे ढंग से रहें। भाजपा ने तो हमेशा प्यार का संदेश दिया है, लेकिन कांग्रेस ने समय समय पर सांपों के जैसा जहर उगलने का काम किया है। बिजनौर के थाना हेमपुर दीपा के मसीत गांव में पुलिस पार्टी पर हमला करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि हेमपुर पुलिस ने वसीम और आजम को गिरफ्तार किया है। ग्राम मसीत तिराहे से पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वारंटियों की सूचना पर हेमपुर पुलिस पर आरोपियों ने ही अपने हिमातियों संग पथराव किया था। 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 सिपाही इसमें घायल भी हुए थे, बता दें, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कासगंज जनपद के ही उमापुर थाना क्षेत्र के गांव अर्जुनपुर कदीम में प्रेमी युगल ने हिंदी फिल्मों की तर्ज पर साथ जीने मरने की कस्में खाई, लेकिन जब साथ जी न सके तो फांसी के फंदे पर लटक कर एक एक कर जान दे दी और युवक युवती के परिवार वालों में कोहराम मच गया है। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पंचनामा घर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक के परिजनों ने युवती के भाई और उसके बहनोई पर घर बुलाकर हड़काने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है और इसी महीने यानी 22 फरवरी को गांव में युवती की बारात आनी थी और इससे पहले ही प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या कर ली। ग्रामीणों के मुताबिक दोनों का 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो कि प्रेमिका की शादी तय होने के बाद से लड़का परेशान रहता, जो कि अक्सर अपने दोस्तों से कहता था कि साथ जी नहीं सकते तो मर तो जाएंगे ही, और दोनों ने आज एक एक करके ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। क्या नाम है आपका? ये जो घटना हुई है, क्या है मामला? मामला तो ये फांसी खा के खत्म हुई, और क्या है, क्या? लड़के की बात सुन के बाद फांसी खा खत्म हुई। क्या लड़का लड़की इन दोनों में प्रेम संबंध था क्या? हो सकता है, जबी तो कितने दिनों से ये चल रहा है इसके बारे में पता नहीं, आपको कोई जानकारी नहीं इस पूरी घटना के बारे में? जो अभी जैसे लड़के की फांसी हुई, उसके बाद ये घर पर आ गई, हम बाहर थे, घर वाली भी छत पर थी। मम्मी ने तो फोन आया घर पे, कुछ गेहूँ वगैरह पानी लगाया जाएगा, तो हमने कि चले जाओ, मम्मी पापा काम में हाथ बटाना सही रहता है। तो हम घर पे आए तो पता नहीं, तो कल की रात क्या हुआ, लड़की के घर वाले आए शाम को, घर वाले आए तो उनके भाई और एक चाचा थे, भाई ब्रजेश कुमार लड़की का भाई, और चाचा डोरीलाल, और एक चाचा और थे यशवीर सिंह, और उस लड़के का बहन हुई आए थे, और हमारे भाई को घर अपने घर ले गए। तो उन्होंने हमारे भाई को वहाँ पर ले जाके धमकाया, डराया और मारने की धमकी दी, और स्टाम्प पर कुछ लिखवाने के लिए कहा। थाना अमापुर पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 बालिक, एक लड़का एक लड़की, इन लोगों ने अपने गांव में ही आत्महत्या कर ली है। तत्कालीन सूचना पे मौके पे पुलिस के हमारे स्थानीय पुलिस और क्षेत्राधिकारी सावर पहुंचे। जो प्रारंभिक अभी तक जाँच पड़ताल की गई है, उसमें जो लड़का था उसका एक बाग में फांसी से लटकता हुआ शव मिला था, और जो लड़की थी उसके अपने घर में ही फांसी से लटकी हुई शव मिला था।
हमारी जो फील्ड यूनिट है उनके द्वारा भी मौके पर पहुँच के भौतिक साक्ष्य संकलन कराया जा रहा है। प्रथम दृष्टया जो गांव वालों की ऐसे बातचीत में पुलिस को जानकारी हुई है कि ये दोनों जो नवयुवक और नवयुवती थे एक दूसरे के जानने वाले थे तथा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन दोनों में प्रेम संबंध भी थे। फिर भी इस घटना के संवेदनशीलता के दृष्टिगत सभी पहलुओं पर छानबीन की। गोरखपुर जिले के ही गोला थाना क्षेत्र के देवकली में सुदखोरों में ही तंग आकर पति ने पत्नी और दो बच्चों की हत्या कर दी है और खुद आग लगाकर अपनी जान दे दी थी। ये मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि एक बार फिर से सुदखोरों ने परेशान होकर ही जगह इलाके के एक टेंट हाउस संचालक ने खुद को अपहरण की साजिश रची और हरिद्वार ऋषिकेश अजमेर से फोन कर अपने घर वालों से 3,10,000 रुपये मंगवाए और फिर फिरौती मांगी गई और व्यापारी ने घर वालों से बताया कि उसको 5 लोगों ने पकड़ लिया है और फिरौती में 3,10,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। रकम नहीं देने पर उसकी हत्या कर दी जाएगी। परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में लग गई है। बता दें आपको, इसको लेकर मनीष ने खुद के अपहरण और फिरौती मांगने की पूरी कहानी पुलिस के सामने बताई तो सभी लोग देखते रह गए और गुरुवार को उसे कोर्ट पेश किया गया जहाँ उसे जेल भेज दिया गया है। ये थाना झंगा में एक व्यक्ति मनीष मदेशिया द्वारा अपने अपहरण की सूचना देकर और एक अभियोग पंजीकृत करवाया गया था। उसने फोन करके अपने घर में बताया था कि 5 लोगों ने उसका अपहरण कर लिया है और 3,10,000 रुपये मांग रहे हैं। इस पर सर्विलांस सीसीटीवी व अन्य माध्यमों से जानकारी की गई तो पता चला कि वो झूठ बोल रहा है और ब्याज के काफ़ी कर्ज के पैसे हैं उसके ऊपर, जिसको उतारने के लिए वो अपने ही घर से फर्जी तरीके से ये सूचना दे रहा है। अकेले सीसीटीवी में ये घूमता हुआ पाया गया वहाँ पे और सर्विलांस के माध्यम से भी पाया गया कि ये अलग अलग जगह पर जा रहा है। आगरा के किरावली थाना क्षेत्र के ही कोहरई टोल के पास लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। युवक की अपहरण के बाद हत्या का मामला सामने आया है। बता दें कि युवक की अधजली लाश मिली है। वहीं परिजनों का कहना है कि 10,00,000 की फिरौती भी मांगी गई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें आपको, खबर फरुखाबाद से है जहां पर शमशादाबाद घर से ही कुछ दूर खेल रहे बच्चे के लॉडर ने टक्कर मारी है और बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। खेल रहे बच्चे ने खुद चीख पुकार मचाई और खेत में काम कर रहे मोहल्ले के लोगों ने लॉडर को पकड़ा। परिजनों को सूचना दी गई और परिजन घायल बच्चे को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया है। नगर पंचायत के मोहल्ला सिकंदरापुर निवासी नाहिद का 5 वर्षीय पुत्र साहिल, जो अपने घर से 200 मीटर दूर सड़क किनारे ही खेल रहा था, कस्बे से निवलपुर के लिए जा रहा और तेज रफ्तार लोडर ने ही बच्चे के टक्कर मार दी जिससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। और साथ ही आपको बता दें कि जिससे बताया जा रहा है कि सूचना पर पुलिस और परिजन को दी गई और परिजन घायल बच्चे को अस्पताल लेकर गए जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। काशगंज सदर कोतवाली क्षेत्र के ही गांव भैसोरा बुजुर्ग में ही शराब के लिए पैसे न देने पर दूल्हे के भाई को गोली मारी गई है और हाथ में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बहरहाल घायल अवस्था में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। शराब के लिए रुपए न देने पर युवक ने गुस्से में गोली मार दी है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया है। किस बात को लेकर? जैसे दारू के लिए पैसे मांग रहा था सर, फंक्शन चल रहा था घर में। क्या कार्यक्रम था आपके घर में? शादी है छोटे भाई की, मंडप का दिन था। इसी बात को लेकर आपको गोली मार दिया? हाँ, गोली मारी, छोटे भाई को गोली मारा था मैंने, हाथ लगा दिया, उसने मेरे गोली मार दी। बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र के ही हरेवली के पास गंगा नहर पुल पर बाइक का संतुलन बिगड़ा और बाइक पर सवार युवती रेप पीड़िता नहर में गिरी और गोताखोरों की टीम युवती को तलाशने में जुटी। मौके पर पहुंची एसपी दिनेश सिंह और एसपी ग्रामीण राम अर्ज ने ही घटनास्थल का निरीक्षण किया। बता दें कि जनपद बिजनौर के ही थाना शेरकोट क्षेत्र के गाँव निवासी जीजा अपनी साली से रेप पीड़िता के साथ मेडिकल परीक्षण कराकर घर वापस लौट रहा था और
देवली के पास गंगा नहर के पुल पर बाइक का संतुलन बिगड़ने पर बाइक पर सवार युवती रेप पीड़िता गंगा नहर में ही गिर गई। जीजा के शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवती को गंगा नहर से तलाशने में जुटी हुई है। वहीं SP दिनेश सिंह और SP ग्रामीण राम अर्ज नहीं पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया है और घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आज यहां पर एक महिला के नहर में गिरने की सूचना पर मैं मौके पर आया तो यहां मेरी बात हुई उसका जो जीजा है दिनेश, उससे उसने ये अवगत कराया कि वो लौट रहा था और ठीक जहाँ पर रेलिंग टूटी है उसी जगह पर सामने की तरफ से किसी वाहन के आने पर वो असंतुलित हो गया, डिसबैलेंस हो गया और वो रॉन्ग साइड चला गया और इसी असंतुलित होने के झटके से उसकी साली जहाँ रेलिंग टूटी है वहाँ से नदी में नीचे गिर गई नहर में और तत्काल उसने शोर मचाया, लेकिन जो लोग यहाँ मौजूद थे उन्हें तैरना नहीं आता था इसके कारण उसकी तत्कालिक सहायता नहीं मिल पाई। अभी हमने नहर का पानी कम करवाया है और गोताखोर हैं और बॉडी की तलाश कर रहे हैं। कानपुर में पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है जहां पर पुलिस के विशेष कार्यबल ने 3 लोगों को करीब 80 लाख रुपए और 16.5 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है और पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ करनी शुरू की और पुलिस द्वारा ही की गई पूछताछ में पता चला है कि आरोपी इन मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं और पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से आम लोगों के स्वास्थ्य को लेकर लगातार चिंतित और प्यारस्त है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में 2 वर्ष से लेकर अभी सभी आयु के ही लोगों के लिए पेट से संबंधित बीमारियों को लेकर पूरी तरह से कमर कस चुके हैं, जिसकी कड़ी में ही आज स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर लोगों को बताया कि रायबरेली जनपद में पेट और आंतों से संबंधित बीमारी को दूर भगाने के लिए इसको लेकर बताया जा रहा है कि दवा और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप रायबरेली स्वास्थ्य विभाग ने खिलाने की पूरी तैयारी कर ली है और 2 साल से लेकर अभी आयु के जितने भी सभी आयु के लोगों के लिए ही खासतौर से छात्र छात्राओं को लेकर स्कूल कॉलेज मदरसे और सरकारी गैर सरकारी मान्यता प्राप्त सभी संस्थानों पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और शिक्षकों के बीच ही आपसी सामंजस्य को बैठाते हुए अध्यापकों को ट्रेनिंग के द्वारा दवा खिलाने का तरीका और उससे होने वाले साइड इफेक्ट की जानकारी देते हुए बताया है कि किसी भी प्रकार की पूरे जनपद में कहीं पर भी कोई डोज खिलाने के बाद उससे होने वाली विषम परिस्थितियों के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। किस विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या उद्देश्य? आज ये 10 फरवरी से नेशनल डीवाईवी प्रोग्राम हमारे जनपद में मनाया जा रहा है, इसी के उद्देश्य से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। कौन सी दवा है, किनको किनको खिलानी रहेगी, क्या उम्र रहेगी उनको, कितनी डोजेज मंगाई गई है, किस प्रकार से व्यवस्थित किया जा रहा है? एल्बेंडाजोल की टैबलेट 400 mg की मंगाई गई है और हमारे यहाँ जनपद में लगभग 11 लाख टैबलेट मंगाई गई हैं। हमको जरूरत तो 9 लाख के आसपास है और इसमें 1 साल से कम बच्चों को नहीं दिया जाएगा। 2 साल से लेकर 19 साल के वर्ष के बच्चों को पूरी गोली दी जाएगी। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि गोली को चूरा बना के पानी से खाएंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। कैसे बच्चों को दिया जाएगा, कौन आपके और बच्चों के बीच में मीडिएटर कौन? हमारे यहाँ जो है आशा आंगनबाड़ी सबकी ड्यूटी लगाई गई है। अगर बच्चों को कोई तकलीफ होती है, कोई दिक्कत होती है तो पास के अस्पताल में या तो फिर 108 से आके हमारे यहाँ जो है उनका कोई अगर दिक्कत होती है तो उनका इलाज होगा। ये कार्यक्रम कितने दिनों तक चलेगा? सदर कोतवाली अंतर्गत मोहल्ला गुसियाना न्यू बस स्टैंड पर भीषण आग लगने से कई दुकानें जलकर खाक हो गई है। आग लगने का तो पता नहीं चल सका, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि ये आग शराबियों ने ही लगाई होगी, क्योंकि यहां पर रात्रि के समय गजेड़ी और इसके साथ ही शराबी लोग अपना जमावड़ा लगाए रहते हैं, लेकिन ये कह पाना मुश्किल है कि आग किसने लगाई होगी। और वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और मोहल्ले वासियों ने दुकानदारों ने मिलकर आग पर काबू पा लिया है। अगर समय रहते आग
आग पर काबू नहीं पाया जाता तो ये आग और भी विकराल रूप ले सकती थी। बताया जा रहा है कि इन दुकानों की चपेट में आने से ही मोहल्ला नदीपुरा और प्रकाश खटीक और इसके साथ ही अहमद दरोगा जी का नुकसान हुआ है और इस आग की चपेट में एक कार भी आई है जो कि पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। वहीं पुलिस आग लगने का कारण पता लगाने में जुट गई है। पूरी घटना सदर कोतवाली अंतर्गत मोहल्ला गुसियाना न्यू बस स्टैंड की बताई जा रही है। और यह जनपद के बेला थाना क्षेत्र के ही सहार बंबा रोड पर एक बाइक में चलते चलते आग लग गई और आग लगी देखकर ही बाइक सवार ने कूदकर जान बचाई है। आग का गोला बनी बाइक को देखकर आसपास के लोग दौड़े और देखते ही देखते बाइक जलकर खाक हो गई। बताते चले आपको कि बाइक सवार अपनी रिश्तेदारी में आया था और कानपुर देहात के ही भोगने निवासी गौतम सिंह सहार में अपनी रिश्तेदारी में ही आया था। वो सहार बंबा रोड पर ही बाइक से जा रहा था और इसी बीच इंजन के प्लग से चिंगारी उठी और बाइक में आग लग गई और आग लगने पर उसने ब्रेक लगाया लेकिन बाइक से कूदकर उसने किसी तरह अपनी जान बचाई है। बताया जा रहा है कि घटना देख आसपास के लोग भी दौड़ पड़े और तब तक आग से बाइक जलकर खाक हो चुकी थी। लखीमपुर खीरी से ही मैगलगंज जा रही एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई और आग लगने से धूं धूं कर कर एम्बुलेंस जल गई और बताया जा रहा है कि चालक सुनील और ईएमटी अमरनाथ ने कूद कर जान बचाई है। मौके पर दमकल कर्मी जब तक पहुंचे तब तक 112 एम्बुलेंस जलकर खाक हो चुकी थी। थाना मितोली इलाके के शिवाला तिराहे के पास यह हादसा हुआ है। बताते चले कि उस वक्त जब ड्राइवर और असिस्टेंट दोनों 102 एम्बुलेंस लखीमपुर से मैगलगंज लेकर जा रहे थे और उसी वक्त यह हादसा हुआ और हादसे के वक्त एम्बुलेंस में नहीं था कोई भी और जिसको लेकर मरीज बताया जा रहा है कि कोई मरीज इसमें नहीं था। एम्बुलेंस ड्राइवर का कहना है कि अचानक एम्बुलेंस में चलते चलते आग लग गई और उन लोगों ने बामुश्किल कूद कर ही अपनी जान बचाई है और देखते ही देखते पूरी एम्बुलेंस जलकर खाक हो गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।